दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। फिर से लेकर आ गया हूं एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में। इमरान प्रतापगढ़ी हिंदी और उर्दू के मिली जुबान से जाने जाते हैं। दोस्तों यही वो जुबान है जिसने उनको ऐसी शख्सियत बना दी। इनकी शायरी को सुनने के लिए हजारों की तादाद में भीड़ लग जाती है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे इनकी फुल लाइफ स्टाइल, बायोग्राफी, स्ट्रगल स्टोरी और इनके मुशायरे से जुड़ी कुछ ऐसे बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। अगर आपको इनका सूफियाना अंदाज वाला शायरी और कलाम पसंद है तो करिए वीडियो को लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो लेट्स गो स्टार्ट। दोस्तों इनका निक नेम इमरान प्रतापगढ़ी है और इनका फुल नेम मोहम्मद इमरान खान है। इमरान प्रतापगढ़ी का जन्म 6 अगस्त सन 1987 को उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ इंडिया में हुआ था। 2022 के हिसाब से इनकी एज की बात की जाए तो इनकी एज 35 साल हो चुकी है। इन्होंने इतनी कम उम्र में अपनी प्रतिभा के दम पर कवि सम्मेलनों के मंच पर वो मुकाम हासिल कर चुके हैं जिसका लोग सपना देखते हैं। इनके शायर में वो दम है कि इनकी शायरी को सुनने के लिए लोग बहुत ही दूर दराज से आते हैं। जब ये मंच पर बोलने लगते हैं तो वहाँ पर बैठे बूढ़े बच्चे और नौजवान तालियों से हाहाकार मचा देते हैं। अब आपको मिलवाते हैं इनकी फैमिली से। तो इनके पिता का नाम मोहम्मद इलियास खान है जो कि डॉक्टर हैं और इनके माँ का नाम साजिदा खान है जो कि एक हाउसवाइफ हैं और इनके 9 भाई बहन भी हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशन के बारे में। तो इनके वालिद साहब ने इनका एडमिशन प्रतापगढ़ के एक स्कूल में करा दिए थे। इनके वालिद साहब चाहते थे कि इमरान प्रतापगढ़ी बड़े होकर एक डॉक्टर बने, लेकिन इनको तो कुछ और ही मंजूर था। इमरान साहब को बायोलॉजी पढ़ने से ज़्यादा हिंदी पढ़ने में मज़ा आने लगा और देखते ही देखते इमरान को कलम से दोस्ती हो गई और क्लास 5 से ही इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया। स्कूल में होने वाले हर कल्चरल शो में इमरान प्रतापगढ़ी हिस्सा लेने लगे और उसके बाद जब इनकी प्रतिभा का पता इनके कॉलेज के प्राचार्य को चला तब उन्होंने इमरान साहब को इसी फील्ड में जाने की सलाह दी और इनको खूब मोटिवेट किया। और स्कूली पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इमरान साहब ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया जहां पर उन्होंने खूब दिलो जुनून से पढ़ाई की और साथ ही साथ अपने पैशन की कला को भी जारी रखा। कॉलेज में इनको एक कवि के रूप में हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुना जाने लगा और देखते ही देखते अपने कॉलेज में फेमस हो गए। और इमरान साहब ने पोइट्री में PhD भी कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं इनकी नेशनलिटी की। तो इनकी नेशनलिटी इंडियन है और रिलीजन से ये इस्लाम धर्म के हैं। बात की जाए इनकी हॉबी की तो इनकी हॉबी बैडमिंटन है और हॉर्स राइडिंग और चैरिटी में सदका देना। अपनी तमाम खूबियों के कारण इमरान साहब को कई सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जैसे पोइट्री डिबेट में इनको 3 बार नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। उसके बाद सन 2016 में इनको यश भारती अवार्ड से भी नवाजा गया। फिर सन 2005 में इनको 2 बार प्रखर मीडिया अवार्ड से भी नवाजा गया और सन 2007 में फरक गोरखपुरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। इमरान साहब ने बहुत सारे सोशल वर्क भी करते हैं जैसे अपने गांव में स्कूल बनवाए और तमाम बेसहारे लोगों के लिए इमरान साहब ने बड़े स्तर पर काम भी किया है। दोस्तों इतना ही नहीं, यह कांग्रेस पार्टी के फेमस नेता भी हैं और कांग्रेस पार्टी के चेयरमैन भी हैं और आज के समय में इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अब बात कर लेते हैं इमरान साहब की कार कलेक्शन की। तो इनके पास एक सुजुकी स्विफ्ट है जिसकी प्राइस 8 लाख रुपीज़ है। नंबर 2 पर है इनके पास फोर्ड इंडेवर जिसकी प्राइस 40 लाख रुपए है। नंबर 3 पर है टोयोटा फॉर्च्यूनर जिसकी प्राइस 42 लाख रुपए है। और इनकी लास्ट कार है ऑडी Q7 जिसकी प्राइस 80 लाख रुपए है। दोस्तों इनका एक यूट्यूब पर चैनल भी है जिसका नाम
इमरान प्रतापगढ़ी ऑफिशियल है, जिस पर इनके 16.8 लाख सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल पर इन्होंने 540 प्लस वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं इमरान साहब के इनकम के बारे में। तो इमरान साहब एक महीने में 2 से 5 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। 2022 के हिसाब से इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ अप्रोक्स 50 करोड़ रुपए हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की हमारी लाइफ स्टाइल वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।